योगी की पुलिस का खौफ कितना है इस खबर को देखकर आपको पता चल जाएगा। दरअसल यूपी में अपराधियों की हालत इस वक्त कैसी है ये पूरी दुनिया देख रही है। अपराधी या तो जेल की हवा खा रहे हैं, या उनका एनकाउंटर हो चुका है, या फिर वो प्रदेश छोड़कर भाग चुके हैं। ये सिर्फ कहने भर के लिए नहीं है, ऐसा हो भी रहा है। यूपी में अपराधी रह ही नहीं पाते। वजह है योगी पुलिस का खौफ, या कहें एनकाउंटर का खौफ। आपको बता दें कि दिल्ली कड़कड़डूमा कोर्ट के बाहर अचानक यूपी के एक क्रिमिनल ने गोली चला दी, जिससे सनसनी फैल गई। पुलिस ने बताया कि एक युवक ने गेट नंबर 4 के बाहर देसी पिस्टल से आसमान में फायरिंग की। इस आरोपी का नाम है सलमान और उम्र है महज 20 साल। अरमान को दिल्ली पुलिस ने मौके पर ही पकड़ लिया। उसके पास से पिस्टल और खाली कारतूस भी बरामद कर लिया गया है। फर्श बाजार पुलिस ने आरोपी के खिलाफ लोगों की जान खतरे में डालने और आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया है। पुलिस ने यह भी बताया कि जब आरोपी से पूछा गया कि उसने गोली क्यों चलाई, तो उसने खुलासा किया कि वो जेल जाना चाहता था, इसी कारण उसने हवा में गोली चलाई थी, जिससे पुलिस उसे गिरफ्तार कर ली। फिलहाल वो पुलिस हिरासत में है, लेकिन आरोपी ने एक और खुलासा किया, जिसे सुनकर पुलिस कर्मियों का सिर ही चकरा गया। दरअसल पुलिस ये पता करने में जुट गई थी कि आखिर माजरा क्या है। एक 20 साल का जवान लड़का जेल जाने के लिए जानबूझकर गोली क्यों चला रहा है, जिससे पुलिस उसे गिरफ्तार कर ले। पुलिस जांच में पता चल गया कि क्यों उसने पैतरा चला था। दरअसल आरोपी अरमान यूपी का वांटेड क्रिमिनल है, वो मेरठ का रहने वाला है। पुलिस ने बताया कि अरमान के खिलाफ 8 मामले दर्ज हैं, जो अपहरण और रंगदारी के हैं। वो जब नाबालिग था उसने तभी अपराध की दुनिया में कदम रख लिया था। वो बुलंदशहर के अरमानी गैंग का एक्टिव मेंबर है। ये गैंग अपहरण और रंगदारी का ही काम करता है। यूपी पुलिस अरमान के 3 साथियों को एनकाउंटर में पहले ही ढेर कर चुकी है और उस पर भी 50,000 रुपए का इनाम रखा हुआ है। वो बुलंदशहर में 2 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने के मामले में वांटेड था और आरोपी को डर था कि यूपी पुलिस कहीं उसका एनकाउंटर न कर दे। इसी वजह से उसने दिल्ली में अपराध कर जेल जाने की योजना बनाई, जिससे कि उसकी जान बच सके। इसी कारण अब उसे डर था कि अगला नंबर उसी का है और वो यूपी पुलिस के खौफ से जानबूझकर अपराध कर वहां की जेल में बंद हो गया। फिलहाल देखना ये होगा कि उसे इस खौफ से राहत मिल जाएगी या उसे दिल्ली से यूपी ले जाया जाएगा, क्योंकि आखिर मुख्य अपराधी तो वो यूपी का ही है। और ये खौफ हो भी क्यों ना, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ कई बार बड़े मंचों से कह चुके हैं कि अपराधियों की अब प्रदेश में कोई जगह नहीं। उन्हें या तो प्रदेश छोड़कर जाना होगा, या फिर यूपी की जेलों में सड़ना होगा, या फिर उनका एनकाउंटर कर दिया जाएगा। हर एक कस्बे में आकर के गुंडे जाकर के एक एक व्यापारी से गुंडा टैक्स वसूली करते थे, राह चलते हुए राहगीरों की हत्या करते थे। अन्नदाता किसान अपने खेतों में नहीं जा सकता था, बहन बेटियां स्कूल नहीं जा पाती थी और बहनें मार्केट में जाकर के घर के लिए आवश्यक सामग्री नहीं खरीद सकती थी। बहन और बेटियां सुरक्षित हुई है, गुंडा टैक्स बंद हुआ है। लेकिन आपको मैं ये गारंटी देने के लिए आया हूं कि भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार किसी भी प्रकार के राजकतार गुंडागिर्दी को पनपने नहीं देगी। जो जिस भाषा में समझेगा उस भाषा में उसको समझाने का कार्य भी करेंगे। और अभी पिछले 2 सालों में तो योगी के बुलडोजर ने ही अपराधियों की नाक में दम किया हुआ है। माफिया हो, बदमाश हो, हर कोई योगी के बुलडोजर से थर थर कांपता है। फिलहाल देखना होगा कि यूपी के इस क्रिमिनल को लेकर दिल्ली पुलिस आगे क्या कार्रवाई करेगी। तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।